घटनाएं हुई थी, जिसके कारण 3 जिलों के 12 मतदान केंद्रों पर फिर से मतदान का आदेश दिया गया। सीईओ ने कहा कि जिन क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या ईवीएम को हमलों में क्षतिग्रस्त किया गया था, वहां भी आज मतदान होगा। वहीं जो मतदाता कोविड पॉजिटिव हैं या क्वारंटीन में हैं, उन्हें अंतिम घंटे में दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के मतदाताओं से राज्य विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की और उन्हें लोकतंत्र के त्योहार को चिन्हित करने को कहा। इसी बीच चौंकाने वाली खबर यह भी आई कि अज्ञात बदमाशों ने मणिपुर के इम्फाल पश्चिम जिले के लामफेल इलाके में भाजपा से निष्कासित नेताजी बिजोई के आवास पर देसी बम फेंका। उन्होंने बताया कि यह घटना विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के शुरू होने से कुछ घंटे पहले शुक्रवार रात की है। हालांकि मणिपुर विधानसभा चुनाव में जीत किसकी होती है, यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें देशित न्यूज़।